हेलो एवरीवन, अब आज हम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंटेग्यूमेंट्स के फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें हम हॉर्न्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो सींग वाले जानवर होते हैं उनके हेड में ये पाए जाते हैं। तो किस तरह के ये सींग हो सकते हैं? तो जनरली अगर हम मैमल्स की बात करें तो ऐसे मैमल्स को हम हूफ्ड मैमल्स कहते हैं, यानी जिनके सींग वाले जंतु कहते हैं। और जनरली ये आर्टियोडेक्टाइला और पेरिसोडेक्टाइला के जो फॉर्म्स होते हैं, यानी जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। और ये इनके हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, जो ऑफेंस और डिफेंस की तरह ये यूज़ करने में इनको हेल्प करता है। अगर इनके रिकॉग्निशन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो ये पांच टाइप के हो सकते हैं। सीधी सी बात ये है कि सारे के सारे जो हैं वो ट्रू हॉर्न हो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ इनमें से ट्रू होते हैं, और जबकि कुछ अदर फॉर्म्स होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म हो सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम सबसे पहले टाइप का जो हॉर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो जिसे हम ट्रू हॉर्न्स कहते हैं। ट्रू हॉर्न्स यानी कि जो हॉलो हॉर्न्स होते हैं, जनरली ये जो कैटल्स हैं हमारे, गोट्स, शीप्स, इनमें ये पाए जाते हैं। और इस टाइप के जो हॉर्न हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं और सिलिंड्रिकल शेप के होते हैं, सिंपल शेप के, और एंड में ये टेपरिंग होते हैं, यानी चपटे फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये लाइफ टाइम ग्रो करने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, और ये कभी लाइफ में शेड नहीं होते, यानी कभी भी निकाले नहीं जाते हैं, मतलब लाइफ टाइम ये ग्रो कर सकते हैं। तो ट्रू हॉर्न की अगर हम बात करें तो ये हॉलो होते हैं, अंदर की तरफ से हॉलो होते हैं, यानी खोखले होते हैं, और डर्मल बोनी कोर जो कि स्कल की फ्रंटल बोन से एक कोर निकलता है, बोनी कोर होता है, जो इस डर्मल हॉलो लेयर को सपोर्ट करता है। उसी के बाद जो डर्मल हॉलो लेयर है उसके ऊपर एपिडर्मिस की जो एपिडर्मल हॉर्नी हॉलो कैप है उससे कवर करके रखा होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। ये देखिए, ये जो कैटल्स में है इस टाइप का हॉर्न होता है। आप लेफ़्ट साइड में देख पा रहे हैं कि जो मेल या फीमेल हमारे कैटल है, काउ, उसके जो हॉर्न होते हैं इस टाइप के होते हैं। और राइट साइड में ये इसका स्ट्रक्चर दिया है कि इसके बीच में एक सेंट्रल कैविटी होती है, यानी हॉलो पोर्शन होता है, खोखला वाला जो एरिया है, और ऊपर की तरफ इसमें टेपरिंग होती है। और ये जो सेंट्रल कैविटी है ये नीचे से जो स्कल की फ्रंटल बोन है उसके थ्रू इनके हेड से अटैच रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप के जो हॉर्न हैं वो कहलाते हैं प्रोंग हॉर्न्स, यानी कि ऐसे हॉर्न्स जो कि जनरली एंटीलोप में अपीयर होते हैं। ये भी एक फॉर्म होते हैं ट्रू हॉर्न्स के, बट इनके स्ट्रक्चर्स में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिसिटी देखने को मिलती है, कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये भी फ्रंटल बोन से सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये उसी के कोर पर अटैच रहते हैं, और एपिडर्मल हॉर्न की जो कवरिंग है वो काफ़ी थिन होती है। लेकिन इनमें कुछ और एडिशनल थिंग्स पाई जाती हैं, जैसे कि ये हॉर्नी शीथ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसकी 1-3 ब्रांचेस होती हैं, यानी एक जो इनका हॉर्न है वो 1-2 या 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो सकता है। और ये एवरी ईयर शेड किए जाते हैं, यानी हर साल ये नए निकल कर के इनमें आते हैं, और जो पुराने वाले हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं। जबकि इनका जो बोनी कोर है, यानी जो बेस है, वो परमानेंट रहता है, और वो लाइफ टाइम इनके डेवलप होता रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो ये इस टाइप के प्रोंग हॉर्न्स दिखते हैं, जो कि प्रोंग हॉर्न एंटीलोप का यहाँ पर डायग्राम मेंशन किया गया है। तो देखिए, ये टू ब्रांच्ड है। सिंपल हॉर्न में कोई भी ब्रांच हमने नहीं देखी थी, यानी जो ट्रू हॉर्न्स थे उनमें हमने ब्रांच नहीं देखी थी, लेकिन प्रोंग हॉर्न्स में 1-3 ब्रांचेस हो सकती हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो दे आर सिमिलर विद द ट्रू हॉर्न्स और ट्रू हॉर्न्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
इसमें थर्ड टाइप के जो हॉर्न्स होते हैं दैट इज एंटलर्स, जनरली जो डियर फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी जो डियर फैमिली है जिनके बहुत सारे अट्रैक्टिव एंटलर्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। जनरली मेल्स में ही ये अपियर होते हैं, फीमेल्स में इनकी लैकिंग होती है, लेकिन रेनडियर या कारिबो जो स्पीशीज़ हैं यानी जो डियर्स हैं, इनमें मेल फीमेल दोनों में ये पाए जा सकते हैं। अगर इनकी बात करें तो ये एनुअली ग्रो करते हैं, लेकिन ये ट्रू हॉर्न्स नहीं होते हैं। तो एक एंटलर में काफ़ी सारी ब्रांचिंग हो सकती हैं जिससे बहुत सारी सॉलिड आउट ग्रोथ निकलती है। जनरली ये जो पूरे फॉर्म्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के बहुत डेंस जगह एक जगह पर इकट्ठे होने की वजह से ये पूरा का पूरा एंटलर फॉर्म होता है, और ये भी स्कल की फ्रंटल बोन के थ्रू सपोर्ट किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो इनमें अदर देन दोज कनेक्टिव टिश्यूज, इनमें हम कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स का डिपोजिशन देखते हैं जो एंटलर्स को हार्ड बनाने का काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कार्टिलेज और बोन की, तो कार्टिलेजेस में हम देखते हैं कि किसी भी टाइप के फॉस्फोरस या कैल्शियम के सॉल्ट्स नहीं होते हैं, दैट्स वाई ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसके अपोजिट बोन्स में सॉल्ट्स के कारण ये हार्ड हो जाते हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। तो इनकी ग्रोथ के टाइम पर इनमें एक पर्टिकुलर स्किन देखने को मिलती है, दैट इज़ वैस्कुलर स्किन, या जिसे हम वेल्वेट के नाम से भी जानते हैं। जब इनकी ग्रोथ कम्प्लीटली हो जाती है तो ये वेल्वेट वहाँ से रिमूव हो जाता है। ये वेल्वेट सिर्फ ग्रोथ के टाइम पे वहाँ पर अपीयर होता है। जो जो भी एंटलर हैं वो ब्रीडिंग सीजन के बाद रिप्लेस कर दिए जाते हैं, यानी कि जो एंटलर है वो शेड हो जाता है और फिर से पूरा का पूरा एक इंटायर एंटलर डेवलप हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये देखिए इस तरह से ये जो काफ़ी सारे ब्रांच होते हैं एंटलर्स में, काफ़ी सारी ब्रांच हो सकती है इनमें, 1 या 3 ऐसे कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। ये मेल है जो कि ब्लैक टेल डियर की अगर हम बात करें तो इसी का एंटलर दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कितनी सारी ब्रांचेस हैं, और ये इनके बीच में यानी मिडल वाले पोर्शन में काफ़ी सॉलिड जो है कैल्सिफाइड सॉल्ट्स का जमाव वहाँ पर देखने को मिलता है। थर्ड वाला जो राइट साइड में जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दैट इज़ ड्यूरिंग ग्रोथ, ये इस तरह से रहते हैं, नीचे फ्रंटल बोन से सपोर्ट किए जाते हैं इनके सेक्शन कट में, और ये वेल्वेट की शीट जिसकी हमने बात की थी, जो वैस्कुलर शीट थी, वो इस तरह से अटैच रहती है, और अंदर के वाले स्ट्रक्चर में इनमें बहुत सारे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो इसमें ये फोर्थ वाले जो हमारे हॉर्न्स है, दैट इज़ जिराफ हॉर्न्स, ये जनरली जिराफ्स लामा इनमें ये हेयर ये जो हॉर्न्स है वो देखने को मिलते हैं। तो ये भी काफ़ी अनब्रांच होते हैं, और ये परमानेंट एंटलर्स होते हैं जो कि दोनों के दोनों सेक्सेस में पाए जाते हैं। तो इनमें भी एक बोनी डर्मल कोर होता है जो कि फ्रंटल बोन से सपोर्ट पा करके सीधा वहाँ पर रह पाता है, और इनकी स्किन या वेलवेट कभी भी शेड नहीं होता है। जबकि अगर इनके ऊपर की अगर हम बात करें तो जो ये जो हॉर्न्स है वो जो नॉर्मल स्किन है, जो नॉर्मल हेयरी स्किन है, उसी से कवर्ड रहते हैं। आप देख पा रहे हैं राइट साइड में जो मेल जिराफ का यहाँ पर स्ट्रक्चर इन्होंने मेंशन किया कि इस तरह से ये जो है हेयरी स्किन यानी हेयर्स उसमें प्रेजेंट देखने को मिल सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो है वो हॉर्नी एपिडर्मल कवरिंग है, और इसके अंदर डर्मल बोनी कोर प्रेजेंट होता है, फिर सेंट्रल कैविटी है, और ये नीचे से फ्रंटल बोन से सपोर्ट पाते रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में दोनों जो प्रीवियस डायग्राम थे उनके सेक्शन के बारे में डिस्कस किया है। तो इस तरह से दोनों के बीच में सेंट्रल बोनी कोर होता है, और हॉर्नी एपिडर्मल कवरिंग जो ऊपर की तरफ सबसे इनको कवर करके रखने का काम करती है। तो इस तरह से जिराफ के हॉर्न का स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है हेयर हॉर्न्स, यानी ऐसे हॉर्न्स जो हेयर के एक साथ कनेक्ट होने की वजह से बनते हैं, या बहुत सारे फाइबर्स के एक साथ जुड़ जाने की वजह से बनते हैं, उन्हें हम हेयर हॉर्न्स कहते हैं। जनरली ये राइनोसेरॉस में देखने को मिलता है, जो कि दोनों मेल और फीमेल दोनों में
पाया जाता है। तो ये जो है ये हॉर्न्स फ्रंटल बोन से सपोर्ट नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये जो नेज़ल वाली बोन्स है, जो फेशियल बोन्स के बीच में जो नेज़ल बोन्स होती है, उससे जनरली ये अटैच रहते हैं। अगर हम इंडियन राइनोसेरोस की बात करें, जो कि हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ वन हॉर्न राइनोसेरोस, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले इंडियन एरिया में पाया जाता है, तो इसमें सिर्फ एक ही हॉर्न प्रेजेंट होता है। लेकिन अफ्रीकन स्पीशीज़ में दो हॉर्न्स होते हैं, जो पहले एक के पीछे सिचुएटेड होते हैं। तो ये जो हॉर्न्स हैं, ये जो हेयर के या केराटिनाइज जो पोर्शन है एपिडर्मल के फाइबर्स का, बहुत टाइटली फॉर्म होने के, फ्यूज़ होने के कारण इनका फॉर्मेशन हो पाता है। और ये परमानेंट होते हैं, अगर ये कभी टूट जाते हैं बाई चांस लाइफ में, तो इनमें रीजनरेशन की या फिर से ग्रो आउट करने की कैपेसिटी इनमें होती है। तो इनके ये जो हॉर्न्स हैं, इनका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी कंट्रीज़ में एज अ लव चार्म इनको माना जाता है, एज अ गिफ्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए इनकी बहुत इलीगली इनको हंट किया जा रहा है, इनका शिकार किया जा रहा है, जिससे इनकी स्पीशीज़ कम हो रही है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की। तो इसमें ये जो डायग्राम है, इसमें देखिए फाइब्रस हॉर्न है। इस डायग्राम में जो है अफ्रीकन स्पीशीज़ के बारे में मेंशन किया। देखिए जो फ्रंट वाला हॉर्न है, दैट इज़ वेरी लॉन्ग, और इसके पीछे एक और हॉर्न प्रेजेंट है, यानी दो हॉर्न पाए जाते हैं जो अफ्रीकन स्पीशीज़ की हम बात करते हैं। ये राइनोसेरोस में ये इस तरह से कंप्लीट हॉर्न दिखता है, जो हेयरी डिपोजिशन के कारण बनता है, इसे हम फाइबर हॉर्न के नाम से भी जानते हैं। अब फेदर्स की अगर हम बात करें, तो जो बर्ड्स होते हैं इनकी बॉडी जनरली फेदर से कवर होती है, और ये जो फेदर्स हैं सिर्फ बर्ड्स में ही पाए जाने वाले कैरेक्टर्स हैं, बाकी किसी भी क्लासेस में हम ये कैरेक्टर अपीयर होने को नहीं देख पाते हैं। तो फेदर का स्ट्रक्चर जो है वो जनरली ड्राई रखता है इनको, और डेड पोर्शन होता है, और कॉर्निफाइड प्रोडक्ट से बना होता है, यानी कि स्ट्रेटम कॉर्नियम से इसका फॉर्मेशन होता है। और अगर इनके यूनिक फीचर्स की हम बात करें, तो ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, साथ ही साथ ये वाटरप्रूफ होते हैं, जो कि एक वर्ल्ड की हैबिचुअल लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बहुत सारे कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इनमें प्रेजेंट बहुत सारे पिगमेंट सेल्स के कारण होता है, और उनके अरेंजमेंट के कारण ये कलरेशन देखने को मिलता है। ये इनका फंक्शंस जो है बॉडी की हीट को अंदर कंजर्व करके रखना, और बॉडी का जो मॉइस्चर उसको बॉडी के अंदर बाउंड करके रखना, और जो विंग्स होते हैं उनको उनको एक ब्रॉड सरफेस प्रोवाइड कराना, ताकि बर्ड जो हैं वो इजीली फ्लाई कर सकें, उनके लिए ये वहाँ पर होते हैं। अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें, तो ये स्केल्स के लायक ही इनमें डेवलपमेंट होता है, जो कि हमने टाइप स्टडी ऑफ कोलंबा लिविया में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसका सिर्फ हम कंपैरेटिव बेसिस पर डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और फेदर्स की अगर हम बात करें, तो ये सीजनली जो है मोल्टेड होते हैं, यानी बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो जनरली थ्री टाइप्स के कॉमनली ये जो पाए जाते हैं फेदर्स, वो थ्री टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ कंटूर, डाउन और फिलोप्लम्स। तो इस टाइप के ये पाए जाते हैं, और इन्हीं में मॉडिफाई हो करके कुछ डिफरेंट टाइप के अदर भी फेदर्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। राइट की ओर, तो इसमें हम हेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेयर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैमल्स के, यानी पूरे की पूरी क्लास मेमेलिया में ये पाए जाते हैं। तो ये पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं, जो कि इनको भी हम कैटेगरीज में देख सकते हैं, कि जो फरी एनिमल्स होते हैं, इनकी पूरी की पूरी बॉडी हेड टू टो पूरी की पूरी बॉडी हेयर से कवर्स होती है, जो कि फर्ड एनिमल्स कहलाते हैं, जो फर जिनसे बनता है। मैन में अगर हम बात करें, तो कुछ कुछ पैचेस के फॉर्म में, कुछ कुछ डिस्टेंस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। वेल में ये स्कैटर्ड या बहुत ही कम माइन्यूट फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स में ये स्केल्स या तो फेदर्स या तो कॉर्निफाइड स्ट्रक्चर बनाने का काम भी करते हैं, या तो स्पाइन्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं।
जनरली हम मैमल हेयर को पिलैज फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं या इसे पिलैज फॉर्म से टर्म करते हैं. इसकी ये जो टर्म है वो पिलैज फॉर्म में हम बोल सकते हैं. पीरियोडिकली इनकी भी मोल्टिंग होती है और ये नए हेयर से रिप्लेस किए जाते रहते हैं. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की. तो इसमें एक हेयर के स्ट्रक्चर यानी एक हेयर किन किन चीज़ों से बना रहता है उसके बारे में बात की है. तो ट्यूब्यूलर इन्वेजिनेशन के कारण हेयर बनता है. तो हेयर फॉलिकल जो होता है वो जर्मिनेटिवम लेयर से, जो एपिडर्मिस की जर्मिनेटिवम लेयर्स हैं वहाँ पर हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं जो इन हेयर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और ये नीचे काफ़ी डर्मिस तक काफ़ी अंदर तक धंसे रहते हैं, जिसे हम डर्मल और हेयर पैपिला भी कह सकते हैं. इसमें एक ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं जो कि, और इनमें हेयर रूट या हेयर बल्ब पाया जाता है जो इनके नरिशमेंट के लिए यूज़ होती है. इससे एक शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है बाहर निकल के आता है. ये शाफ्ट जो है वो केराटिनाइज फॉर्म में होता है और काफ़ी हार्ड होता है और जनरली डेड मटेरियल से बना होता है. जो हेड होते हैं इनका जो लुब्रिकेशन है वो सेबेशियस ग्लैंड से जो सीबम सिक्रीट किया जाता है उसके थ्रू होता रहता है. इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि एक एरेक्टर पिलाई मसल जो होती है वो इन हेयर फॉलिकल को पास आकर के अटैच रहती है. तो टिपिकली अगर हेयर शाफ्ट की अगर हम उसके स्ट्रेटिफाइड करें या उसको डिवाइड करें तो वो तीन लेयर में बना हुआ हमें दिखता है. जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है दैट इज़ एक्सटर्नल क्यूटिकल, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्केल के ओवरलैपिंग के कारण बनता है. फिर उसके मिडल पोर्शन में कॉर्टेक्स वाला एरिया पाया जाता है जो कि काफ़ी सारी पिगमेंट सेल से, श्रेवर्ड सेल से बना होता है. और सबसे इनसाइड यानी इनर वाले पोर्शन में इसका मेड्यूला पोर्शन होता है जो जनरली एयर स्पेसेस की तरह होता है. और सबसे लार्ज जो एक हेयर का पोर्शन है वो मेड्यूला वाला ही होता है. अब हेयर के फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये बॉडी के इंटायर बॉडी की इंसुलेशन के लिए काम करते हैं. यानी जो कोल्ड वाटर कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले एनिमल्स हैं उनके जैकेट की तरह काम करता है. इसके अलावा ये सेंसिटिव टैक्टाइल ऑर्गन की तरह काम करते हैं यानी टच के थ्रू सेंसेस को रिसीव करने का काम करते हैं. इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स में ये ब्रिसल्स के फॉर्म में, क्विल्स के फॉर्म में, ये स्पाइंस, स्केल्स, हॉर्न्स और काफ़ी सारे फॉर्म्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं या मॉडिफाई हो जाते हैं और इस तरह से ये यूज़ किए जाते हैं. क्योंकि इनकी बहुत इनके यूज़ के कारण इन्हें इंडस्ट्रियल पर्पस से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है. इनके एक या दो इंडस्ट्रीज नहीं बल्कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज से ये रिलेटेड हो सकते हैं. थैंक यू.